एज माशाल्लाह से मेरे से तो बड़ी हैं आप, तो आपने जितनी अपनी उम्र देखी उसमें से पाकिस्तान के इस किस्म के हालात देखे जो अभी थे या नहीं देखे? कभी भी नहीं ऐसा हुआ। कभी भी कह रहे हैं कि अगर इसी तरह यही स्ट्रेटजी रही तो पूरा पाकिस्तान हमारे हाथ से चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकते? यही चाह रहा है कि मुल्क डिवाइड हो जाए, कई हिस्से बन जाए। इसके बारे में आपको पता होगा, आज इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि हमारी इसी नाहले की वजह से 1971 को हमारे 93,000 फौजी इंडिया के कब्जे में चले गए और हमारे फौजियों ने वहाँ पर सरेंडर किया, उनका ये कहना। और उन्होंने कहा कि अगर आज हम इतने स्ट्रॉन्ग होते उस टाइम के अंदर तो हमसे ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो हमसे अलग ना हुआ होता। कहते हैं कि आज जो हम मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है ये पाकिस्तान के हिस्से होते हुए नज़र आ रहे हैं। कितना मुतफिक करते हैं इमरान खान साहब की इस बात से और उनकी बात आपको कितनी सच्ची लगती है? देखिए, जो पाकिस्तान अभी चल रहा है ना, मतलब अब अगर हम पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस है, लेकिन अब जैसे हालात करंट आप देख रहे हैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हालात तो वही उसी की तरफ जा रहे हैं। अब उसी टाइम भी देखा जाए तो आप सोचते हैं कि डू यू थिंक पाकिस्तान हैव डेमोक्रेटिक कंट्री? तो मसला ये है, अब है सब कुछ है, हमारे आइन पे है, कॉन्स्टिट्यूशन पे है। अब उस टाइम भी देख लें, शेख जीता पड़ा था तो उसने अपनी साइड लेनी थी। अब भी देख लें, वही है, 90 दिन का इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लें या फिर हुकूमत का देख लें, सारा सिस्टम क्या जा रहा है, उलट जा रहा है। जब तक सिस्टम आप आइन पे, एक जो मुल्क आइन पे चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे, जब तक वो नहीं चलेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सही बात है। हम बिलीव कर रहे हैं डिक्टेटरशिप है, हम अब लिव ही डिक्टेटरशिप पे हैं, जो सर्वाइव में है वो डिक्टेटरशिप है, अगर उसको ख़त्म कर दो, डेमोक्रेसी को ले आओ तो आप सर्वाइव कर सकते हो। अगर अल्लाह ना करे बांग्लादेश हमसे अलग होना, कितनी बड़ी हमारे लिए बात है, कि कितनी बड़ी हमें दुख की बात है, लेकिन बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, क्या हमने बांग्लादेश के अलग होने से कुछ सीखा या नहीं सीखा? देखें, जो आपका सिस्टम चल रहा है ना इस टाइम या पहले ही चल रहा है, वो सारा चल रहा है डिक्टेटरशिप पे। अब चंद लोग हैं जो इसके मज़े उठा रहे हैं, तो बांग्लादेश अगर अलहदा हुआ है तो वो अपने, अब देख लें उनका टक्का 3 रुपए का हो गया है, 3 रुपए का एक टक्का है, और इंडिया की देख लें डेमोक्रेसी, वो भी टॉप पे चल रही है। अगर वो तो सही चल रहे हैं हमसे, हम क्यों हैं, हम अंडर प्रेशर चल रहे हैं, और जो सिस्टम है, जो समझ लें कि जो हायर लेवल है उनके पैसे बढ़े और पाकिस्तान का लेवल क्या डाउन जा रहा है। तो अगर हम बात की जाए, बेसिक वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको आप बेस बनाएंगे, डेमोक्रेसी को अवेयरनेस देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे तो आप सर्वाइव कर सकते हैं इस कंडीशन में, और बड़े लोगों को खुश करने के में तो सर्वाइव नहीं कर सकते ना। फिर आप थोड़े से हालात के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से इसी टॉपिक के ऊपर जाएंगे। जो मौजूदा सिनेरियोस आपको नज़र आ रही हैं, मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अगर आप बात करेंगे इकोनॉमिकल लिहाज से, चलो इकोनॉमी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, इकोनॉमी के बारे में बताइएगा कि कहाँ रिलायबल कर रहे हैं, क्या किसी पड़ोसी का मुकाबला कर सकते हैं? अगर बात करें आप अफगानिस्तान की, अगर बात करें आप बांग्लादेश की, इंडिया की बात कर लें, किसी के साथ हम इसका मुकाबला कर सकते हैं इकोनॉमी के लिहाज से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब क्यों, जो इंटर रिलेशन होते हैं ना, एक्सटर्नल रिलेशन और इंटरनल रिलेशन, हम दोनों ख़राब हुए पड़े हैं। हमारे सेक्टर जो भी है ना, किसी कंट्रोल में है नहीं, वो एक दूसरे में कोई एक स्टेबिलिटी भी नहीं है, एक अच्छे ताल्लुकात में नहीं है। हमेशा जो भी आपकी इन्वेस्टर होते हैं ना, आपकी इकॉनमी बूस्टअप करते हैं, आपके इन्वेस्टर करते हैं, जितने भी इन्वेस्टर बाहर से आते हैं ना, वही बूस्टअप करते हैं। अब जब आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, एक हुकूमत नहीं होगी, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, जिससे इकॉनमी डाउन टू डाउन चली जाएगी। आप कोई भी थर्ड क्लास कंट्री भी आपके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। अफगानिस्तान है, ठीक है, उन्होंने 30 साल जंग लड़ी है, 50 साल जंग लड़ी, लेकिन अब नो स्टेबल वो जा रहे हैं। अब उनका जो अफगानी रुपया वो टॉप पे जा रहा है, लेकिन हम क्या है, डाउन पे डाउन जा रहे हैं। हमारी जो अब हमारे पास वो प्लान नहीं है, हमारे पास वो जो एक सिस्टम है ना, कि ये प्लान है, पिछली हुकूमत आई उन्होंने जी नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हैं। हर हुकूमत क्या होती है, वो आती है, वो उसी को नहीं चलाती, वो अपना एक सेटअप चलाती है, वो 5 साल खाती है, पूरे 4 साल पूरे खाती है, जिस लास्ट अवाम में जाना होता है वो कोई सड़क बना दिया, पुल बना दिया, 2-4 पैसे दे दे खुश करके वोट ले लेती है। क्या आपको लगता है कि जो ये अभी मौजूदा जो सिचुएशन है, खान साहब के पीछे जिस तरह से आवाम घरों से निकल रही है, जिस तरह से एहतजाज हो रहे हैं, क्या इससे पहले इतना बड़ा एहतजाज इतने नेक्स्ट लेवल के अंदर, कि जो जो अदारे पाकिस्तान की सलामियत के लिए काम करते थे, क्या खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर जो खान साहब ने अपनी स्पीचेस की है, क्या आवाम अवेयर हुई है, या फिर गुमनामी की तरफ दोबारा से जा रहे हैं हम खान साहब की क़यादत में? अब देख लेना, खान की जो पुलिसें थी, अब जितनी भी थी, जैसे सिचुएशन बढ़ती गई ना, क्या क्या वैसे के वैसे हालात आते गए। अब खान ने जो भी कहा, अब देखिए हमारी आर्मी का, मतलब वही बात खुल के सामने आ गई, अगर उनका क्या किरदार है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, अब बात तो सामने आ गई ना। अगर वो अगर लीड करेंगे तो फिर मुल्क कैसे सर्वाइव करेगा? कभी भी कोई भी कंट्री, अगर फॉरेन की बात करें, इंटरनल जितने भी लोग हैं या जो भी, अगर
तब तक हाथ नहीं मिलाते जब तक आपकी प्रॉपर डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही होती। डेमोक्रेसी होगी तो लोग आपसे बात करेंगे, इन्वेस्टर आएंगे। अब अगर मिलिट्री स्टेशन है ना, उस पर कोई नहीं है। अब मिलिट्री का क्या काम है आपके ना इकोनॉमी के अंदर बात करें, उनका कोई काम नहीं बनता। हर सेक्टर अब देखें, कंस्टिट्यूशन यूएसए का उठा लें, हर सेक्टर अपना काम करेगा। ऊपर तीन चीज़ें उठा दी हैं, चेक एंड बैलेंस जी, जुडिशरी का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, लेजिस्लेटिव का अपना काम है जी। जिसने गलत किया दोनों उसने लुक आफ्टर रखना है। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर, एक मूवमेंट नहीं होगी, तब तक कोई पॉइंट नहीं है कि पाकिस्तान आगे जाएगा। अब हम देखें छोटे से छोटा कहना, जिम्बाब्वे देख लें, अफ्रीकन की थर्ड कंट्रीज़ भी देख रहे हैं, हमसे टॉप जा रही हैं। टूरिज्म हमने बर्बाद कर दिया, खान आया चलो वजीरिस्तान को उसने बिल्ड कर दिया, पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया, वहाँ पे ड्रोन सब कुछ ख़त्म हो गया, एक मुल्क स्टेबल की तरफ जाने लग गया। अब फैसलाबाद हो गया टूरिज़म में, फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो भी टॉप पे चला गया। अब क्या है, इन्होंने गैस ख़त्म, बिजली ख़त्म, अब एक जो अब देखे घी को हिसाब देख लें, 500-600 किलो चल रहा है। अब एक बंदा जो 600-700 रुपए कमाता है वो कैसे सरवाइव करेगा? अब बच्चों के उसने एजुकेशन देखे, बच्चे पाले या घर का फैमिली, एक सिंगल पर्सन कैसे वो मतलब जो अपना सरवाइव करे इस टाइम मौजूदा सिनेरियोस के अंदर? आप बताइएगा कि हमारे रिलेशन कौन से हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ ज़्यादा बेटर है। चाइना को निकाल लीजिएगा, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा हमारे पड़ोसी कौन किस किसके कौन से कंट्री के साथ हमारे रिलेशन ज़्यादा अच्छे। देखिए हमारे अगर इस तरफ हम झोली फैला के खड़े हुए हैं सबके सामने में, सबके सामने खड़े हुए हैं। अब हमारे पास जियो स्ट्रेटजिकल टॉप पे बैठे हुए हैं, टूरिज्म टॉप पे बैठे हुए हैं, हर चीज़ टॉप पे है। इवन कि अगर अमेरिका हमारे एयर स्पेस भी यूज़ करते हो, 50 लाख रुपये देता है हमें एयर स्पेसिस का। अब रिसेंटली अगर 2022 की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 8 बिलियन ट्रांजेक्शन हुई है सिर्फ पाकिस्तान से। कहाँ से? चाइना से पाकिस्तान ट्रांजेक्शन हुई है। कहाँ पे? अफगानिस्तान हुई है, जिसमें से 0.8 क्या मिला है हमें, बिलियन रुपीज़ हमें मिले हैं सिर्फ ट्रांजेक्शन के। अगर हम नेक नियत पे करप्शन को ख़त्म करके चले ना, खाली हम अपना ये जो रिलायबल सोर्सेज हैं जियो स्ट्रेटेजिकल इसको भी यूटिलाइज करें, तब भी हम सर्वाइव कर मतलब एक टॉप कंट्री में आ सकते हैं। लीडरशिप और हमारे पास जो मेजर पॉलिसी है ना, लॉन्ग पॉलिसी, वो नहीं है हमारे पास। अफगानिस्तान हमारे बारे में क्या सोच रखता है? लास्ट में 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। अफगानिस्तान के बारे में एक पाकिस्तानी क्या सोच रखता है? क्या अफगानिस्तान को हम भाई समझते हैं? क्या वो हमें भाई समझते हैं? क्या वो हमारे शाना बशाना कामों में खड़े हो सकते हैं? इसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात कीजिएगा, मैं भी आपसे फैक्ट एंड फिगर्स पर बात करूँगा। अगर जियो स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट मतलब एरिया देखा जाए ना, तो डिपेंड एक दूसरे पर हमें लाजमी करना है, क्योंकि हमारा मोस्टली जो बाउंड्री कवर है ना, 21,000 तकरीबन 2160 हम उनसे बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। मतलब हर इलीगल लीगल ट्रांजैक्शन हमारी कहाँ से होती है? अफगानिस्तान से होती है। और अफगानिस्तान क्या है, वो एक लैंड कंट्री है, उनको भी हमें सपोर्ट चाहिए हमारे तरफ से। तो एक दूसरे पे डिपेंड है, अगर हम एक दूसरे से निकल भी जाते हैं तो तब भी गुजारा नहीं है। अगर हम एक दूसरे इकट्ठे करते हैं ना, अब खान क्या है, उसने अफगानिस्तान को बनाया, सिस्टम सीधा हो गया, या वजीरिस्तान में कोई धमाके हुए नहीं हुए? अब देखिए आप किसी को रखेंगे, इलीगल खत्म किए, वो सारा कुछ उन्होंने क्या खत्म किया इतना। अफगानिस्तान को पाकिस्तान चला रहा है, मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया ने कितनी की हुई है अफगानिस्तान के अंदर? अभी जितना अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन उतना हमारे साथ नहीं देता। आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? आप देखिए, इंडिया ने 16 बिलियन इन्वेस्ट किया कहाँ पे? अफगानिस्तान के अंदर 16 बिलियन। और हमने क्या किया है? हमने किया तकरीबन 500 मिलियन के, वो भी हॉस्पिटल बना के दिया है खान की हुकूमत के अंदर, सिर्फ हॉस्पिटल ही बना के दिया है। अब जहाँ पे अब देखो हालात क्या है, जहाँ पे ज़्यादा कुछ मिलेगा ना, वो हमको वहीं पे सर्वाइव करेंगे। अब जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेंगी, इन्वेस्टर मिलेंगे, वहीं पे सर्वाइव करेंगे। अब ईरान देख ले, ईरान अब चाइना कहता है कि ईरान बेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में से। क्यों? क्योंकि ईरान अमेरिका के सामने बोलता है। अब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 75 बिलियन किया हुआ है। किसने? सीपैक पे किया पाकिस्तान चाइना, लेकिन वहाँ पे उसने चाबर पे कितना किया? 400 बिलियन किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता है कि कल को अगर कोई कोई सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है वो हैंडल कर लेंगे, क्योंकि वो टू दी पॉइंट जवाब देना है। अब कल को अगर सुपर पावर की रेस में चाइना जा रहा है, इकॉनमी देख रहे हैं, हर चीज़ बिजनेस कम्युनिटी भी देख रहे हैं, टॉप पर जा रहा है, तो अब वो अपने आप देखें, सिंपल सी बात है, जो पाक बनने जा रहा है अफगानिस्तान, रशिया, इराक, सऊदी अरब। अब देखिए ये वो बेल्ट है जो ऑलमोस्ट 80-90% क्या बनता है, ऑयल रिजर्व हो गया, गैस रिजर्व उनके पास है। अब पूरी दुनिया क्या है, उसी पे कंसंट्रेट कर रही है। बिल्कुल सही बात। अब वो अगर गैस बंद करते हैं, यूरोप मरता है,
अफगानिस्तान, इराक, सऊदी अरब बंद करता है तो पेट्रोल से मरते हैं। तो अगर ये पाकिस्तान अगर अपना एक जियो स्ट्रेटजिकल इस्तेमाल करे, इस ब्लॉक के अंदर आ जाता, पाकिस्तान अच्छा सर्वाइव कर सकता है। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर नाम आपका? अकील बेग। सर बेसिकली बात करने का पर्पज़ ये है कि मौजूदा जो सिनेरियोज हैं मुल्क के, कहाँ किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? क्या आपने आपकी एज माशाल्लाह से मेरे से तो बड़ी हैं आप, तो आपने जितनी अपनी उम्र देखी उसमें से पाकिस्तान के इस किस्म के हालात देखे जो अभी थे या नहीं देखे? कभी भी नहीं ऐसा हुआ, कभी भी नहीं। बड़े हालात रहे हैं, भुट्टो के दौर में बड़े हंगामे हुए थे, बहुत कुछ हुआ था, जनरल ज़िया ने टेक ऑफ किया था, वैसे हालात कभी नहीं हुए जो अब इस दफ़ा हो गए हैं। सर क्या वजूहत है? बस अना का मसला लिया हुआ लोगों ने। ओके। मतलब वो दूसरी जो है ना, ये इमरान खान तो बिल्कुल अपनी अना ली हुई है कि मैं हूँगा तो पाकिस्तान हुआ है, मैं नहीं तो पाकिस्तान ना, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही हो गया, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। सर जिस तरह से देख रहे हैं, अभी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई थी, उस स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा 71 को हमारा ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश। कह रहे हैं कि अगर इसी तरह यही स्ट्रेटजी रही तो पूरा पाकिस्तान हमारे हाथ से चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकते। यही चाह रहा है कि मुल्क डिवाइड हो जाए, कई हिस्से बन जाए इसके। अच्छा, वो मतलब फ्रंटियर तो उनको ऑलरेडी उनको एक किस्म का दे दिया हुआ है अफगानिस्तान को। अच्छा। और वहाँ पे अफगानियों को लागे काबू कर दिया हुआ है। बिल्कुल सही। और वो बंदे आपस में लड़ेंगे मरेंगे, बहुत ज्यादा है उसमें, अल्लाह रहम करे मुल्क के ऊपर हमारे। सर क्या सर कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि हमारे 93,000 जो अफवाह थे वो इंडिया के कब्जे में चली गई थी। सर क्या से देखते हैं आप, हम जब अपने पास को देखकर क्या हम अपने मौजूदा हालात को बदल नहीं सकते? अगर हम देखेंगे 90s के टाइम के इंडिया के अंदर, उनकी GDP भी इतनी ग्रो नहीं करी थी, उनकी इकोनॉमी भी इतनी ग्रो नहीं करी थी। सर आज उन्होंने सीख के आज देखी दुनिया की पाँचवीं बड़ी इकोनॉमी बना ली, और हम कहाँ पर, हम दिवालिया होने के कगार पर हैं। हम सीखते क्यों नहीं? हम कौम है ऐसा। पॉलिसी ऐसी हुई है मुल्क में पिछले 5-7 साल में, उसकी वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया हमारे का। सर हम कौम है, कौम होना चाहिए हमें, इंडिया तरक्की कर गया, हम क्यों नहीं कर? कौम होना चाहिए। इसी तरह वो डिवाइड करना चाह रहा है, आपस में फूट डालना चाह रहा है, गली गल मोहल्लों में वो लड़ाई कराना चाह रहा है, और ये अल्लाह फजल करे ये होगा नहीं। जिस किस्म के आपने शेलिंग्स देखी, लोगों को देखा तशद्दुद करते हुए, लोगों को मरते हुए भी देखा होगा, जिस किस्म के हालात मुल्क के अंदर पैदा हो गए थे, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जितना जुल्म मौजूदा सिनेरियोस के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान में, इतना जुल्म कहीं हो रहा है? तो उन्होंने किया क्या, आवाम खुद अपने ऊपर कर रही है? वो अटैक कर रहा है, इन्होंने अभी अटैक नहीं किया, इन्होंने कोई शेलिंग नहीं की, सिर्फ आंसू गैस वाला पैकेट उनको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन ज्यादा काम पेट्रोल पंप उसने फेंके।